अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तारिक इंटीरियर्स। और आज एक बार फिर हाजिर हूँ तारिक इंटीरियर्स के इस खूबसूरत डिस्प्ले में, कि जहाँ पर आपको रंग बिरंगे और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। जिसको मेरे बैग पर इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम तरह वॉलपेपर का डिस्प्ले है। जैसे कि तारिक इंटीरियर्स पर आपको मेन डिस्प्ले जो है वो वॉलपेपर का मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ तारिक इंटीरियर एक लैंड ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट भी जानी जाती है। इसी बिना पर यहाँ पर आपको हर तरह के मल्टीपल इंटीरियर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आज मेरे पास कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी हैं जो फ्लोरिंग के हवाले से और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट मैट स्टाइल के अंदर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो आएंगे, हम आपको वो भी आज दिखाएंगे। तो चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। ये है तारिक इंटीरियर्स का फ्रंट डिस्प्ले, जिसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट टाइप के मोटिव्स लगा के रखे हुए हैं। वेडिंग सीजन चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर तमाम तरह मोटिव्स को हमने लगाया हुआ है, जो कि आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप एक दीवार पे लगवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी मोटिव आप एक वॉल के ऊपर लगवा के बाकी 3 वॉल्स को प्लेन भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बेडरूम के अंदर कोई वेरिएशन लानी है, तो एक बेडरूम के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आर्टिकल प्लेन आर्टिकल भी मिल जाएंगे इसके कॉम्बो के अंदर, और साथ साथ ही जो है वो प्लेन मोटिव भी आपको मिल जाएंगे। बस ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, इसमें तमाम तरह मेटालिक डिजाइन, सिमेट्रिकल शेप और साथ साथ कुछ फ्लोरल आर्टिकल भी मौजूद है मोटिव के साथ साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत आती है देते हैं आपकी दीवारों पर लगने के बाद, और एक बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाती है कमरे के अंदर अगर एक वॉल भी आप वॉलपेपर से कर लेते हैं। इस वक्त आप जितना भी पूरा डिस्प्ले देखते हैं, ये रोल भी खूबसूरत भी होते हैं, वॉलपेपर भी होते हैं। एक वॉल में जो 50 स्क्वायर फीट का पेपर होता है, और उसके साथ साथ भी तमाम तर वॉलपेपर जो है वॉशेबल है, जितने भी वॉलपेपर्स हैं ये वॉशेबल होने की वजह से अगर इसके ऊपर किसी किस्म का हल्का फुल्का कोई स्टेन आ जाता है, तो आप इजीली इन सब वॉलपेपर्स को जो है वो गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। और ये तमाम तर रेंज और ये ढेरों स्टॉक जो आपको इस सब हाजिर में मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तारिक इंटीरियर्स पर मिलेगा। और तारिक इंटीरियर्स अपने कस्टमर को सेम डे फिक्सिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो बिल्कुल अगर आपने सिलेक्शन कर ली है और आप यहाँ से जो है वो हाजिर स्टॉक में सिलेक्शन कर लेते हैं, तो आपको सेम डे फिक्सिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करें, तो हमने बकाया तौर पे अपने कस्टमर को अपने व्यूअर्स के लिए जो है हमें डिस्प्ले सजा के रखा होगा, एक वॉलपेपर लग के किस तरह का एम्बियंस देता है, ये तमाम तरह फिनिशिंग आप इस डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं। तमाम तरह वॉलपेपर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा ढेरों भरमार पड़ी हुई आपको तारिक इंटीरियर्स पर हाजिर स्टॉक में मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ मजीद हमारा डिस्प्ले देखें, तो डिस्प्ले के अंदर निहायत खूबसूरत 12 स्टाइल वॉलपेपर्स भी लगे हुए हैं, कुछ जो है वो स्टॉल स्टाइल वॉलपेपर्स भी लगे हैं, मार्बल इफेक्ट्स के अंदर भी जो है वो वॉलपेपर्स हैं जो डार्कर लाइटर टोन्स में आपको मिल जाएंगे, जो आपके कोई भी छोटे एरिया को एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लुक देते हैं। इसके अलावा इस वक्त आप देख रहे हैं गोल्ड फॉइल रेंज, जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो फॉइल पेपर यूज किया गया है, और इसका अगर आप एम्बियंस देखें नजदीक से, ये देखें बहुत ही प्यारी इसकी फिनिशिंग है, वॉशेबल वॉलपेपर है और बहुत ही शिमरी ग्लिटरी सा वॉलपेपर है। इस तरह के वॉलपेपर्स आपकी लॉबी के अंदर, एंट्रेंस एरिया के अंदर या गैराज के अंदर लगाए जाते हैं ये खूबसूरत लुक देने के लिए। और इसके अलावा अगर आपकी एलईडी की वॉल का साइज थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के वॉलपेपर्स लगा के अपने एलईडी वॉल को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए हमने स्टेयर्स के ऊपर भी सब के सब वॉलपेपर्स लगा के रखे हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि एक आर्टिकल लग के वॉल पे किस तरह की लुक देता है और किस तरह का इसका जो है वो 3D व्यू आता है। ये तमाम तरह वॉलपेपर जो 3D इफेक्ट्स के अंदर इस वॉल पे लगे हुए हैं, ये सब के सब वॉलपेपर आपको मिलेंगे तारिक इंटीरियर्स पर, वो भी हाजिर स्टॉक में। सो तारिक इंटीरियर ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा ये खूबसूरत डिस्प्ले। अब हम इंटर होने जा रहे हैं अपने सेकेंड हॉल की तरफ, जहाँ पर और भी खूबसूरत डिस्प्ले हमने लगाया हुआ है, नहायत ही अट्रैक्टिव कलर्स हैं और बहुत ही एलिगेंट स्टाइल के वॉलपेपर्स हैं, जिसमें आपको कुछ रॉयल स्टाइल के वॉलपेपर्स भी मिलेंगे, जिसमें छोटा मोटिव भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ बड़े मोटिव्स के अंदर भी आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अब अगर इसको गौर से देखें, तो इसके अंदर आपको कुछ मॉडर्न स्टाइल के वॉलपेपर्स भी मिलेंगे,
जो बहुत ही गुड इफेक्ट्स के साथ मैट फिनिशिंग के अंदर है। अगर आप इन वॉलपेपर्स को देखें तो इनके अंदर आपको थोड़ा ग्लो नज़र आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह के वॉलपेपर जो है वो मैट फिनिशिंग में होते हैं, समटाइम कुछ कस्टमर्स को जो है वो ज़्यादा ग्लिटर शिमर अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा ग्लो अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें मैट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये तमाम कवरेज उन्हीं के लिए हमने लगा के रखी हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कुछ फ्लोरिंग प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल्स देती जाऊं और आपको बताती जाऊं कि हमारे पास जो है वो फ्लोर के हवाले से क्या है या विंडो कवरिंग के हवाले से क्या क्या है। तो आए मैं आपको दिखाती हूं कि हमारे पास वॉलपेपर्स के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि हम अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं और जो आपको तारीख इंजीनियर्स को मिलेंगी हर स्टॉक में। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वुडन फ्लोर के बंचेस कि जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की वेरिएशन नज़र आ रही है। निहायत ही खूबसूरत और एलिगेंट स्टाइल के ये प्रोडक्ट हैं और लग्जरी लुक देने के लिए तकरीबन घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इस वक्त जो मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रही हूँ अपने इंटीरियर प्रोडक्ट में सेकंड ऑप्शन पर, वो है वुडन फ्लोर। जो बिल्कुल इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है लैमिनेटेड वुडन फ्लोर जो कि 8 mm की थिकनेस के अंदर है। ये देखिए, ठीक है, ये हाई ग्लॉस वुडन फ्लोर है जो किसी भी रूम के अंदर निहायत ही लग्जरी लुक देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये तमाम तर वुडन फ्लोर और इसके अंदर ये तमाम तर वैरायटी आपको मिलेगी तारिक इंटीरियर्स पर हाजिर स्टॉक में। व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स बताते चलूँ कि हमारे पास जितने भी वुडन फ्लोर की रेंज है इसके अंदर 3 तरह की वेरिएशंस होती हैं। एक है हमारे पास मैट फिनिशिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई, और सेकेंड है ये सेमी ग्लॉस, ठीक है, इसे क्रिस्टल व्यू भी कहा जाता है। सेमी ग्लॉस के अंदर ये जो है वुडन फ्लोर आप इस वक्त देख रहे हैं, और थर्ड जो वेरिएशन है हमारे पास वो है हाई ग्लॉस के अंदर। जी, हाई ग्लॉस के अंदर ये जितने भी वुडन फ्लोर होते हैं ये लैमिनेटेड होते हैं, मींस के ये इनकी जो लैमिनेशन होती है वो प्योर वुड की होती है और अंदर इसकी जो फिलिंग है वो MDF में होती है। इसके अलावा आपको 8 mm की थिकनेस के साथ साथ 7 mm भी मिल जाएगा और 12 mm की थिकनेस में भी वुडन फ्लोर अवेलेबल मिलेगा तारिक इंटीरियर्स पर। ये देखें, बस मैं आपको मज़ीद इसके फीचर्स बताऊँ। जितना भी वुडन फ्लोर है ये आप अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, कोई ऑफिस है तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे जो है वो इसकी नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमेशा जो है वो एक वाटर रेजिस्टेंट एक शीट लगाई जाती है जिसे जंबो लॉन कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस वुडन फ्लोर की हर प्लैंक के ऊपर जो है ये वाटर रेजिस्टेंट वैक्स लगी हुई होती है ताकि वुडन फ्लोर जो है वो आपके फर्श की नमी को जो है वो ना पकड़ सके और आपका फर्श जो है वो उस काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है वो स्टेबल रहे। तो इसीलिए इसके नीचे जो है तमाम तर ब्रांडेड फ्लोर्स के नीचे जो है वो वाटर रेजिस्टेंट वैक्स लगाई जाती है जो कि इस तरह की होती है। और इसके अलावा इसकी नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए एक शीट लगाई जाती है वुडन फ्लोर के नीचे जिसे जो है वो जंबो लॉन कहा जाता है। अगर आपको नॉइज़ नहीं पसंद, वुडन फ्लोर की ठक ठक नहीं पसंद, तो आप उस शीट को लगा के अपने फ्लोर को जो है वो साउंडलेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट के अंदर जो है वो वुडन फ्लोर इस वक्त दिखा रही हूँ जो कि टर्किश फ्लोर है और ब्रांडेड फ्लोर है, निहायत ही खूबसूरत और मैट फिनिशिंग के अंदर इनके ये कलर्स हैं। ये देखें, बहुत ही एलिगेंट स्टाइल के ये वुडन फ्लोर के अंदर बहुत सॉफ्ट और सप्पल कलर्स आपको मिल जाएंगे। और इस फ्लोर की सबसे जो अच्छी खासियत ये है कि इसके ऊपर अगर थोड़ी देर के लिए पानी पड़ा भी रह जाए तो ये जल्दी कहीं जो है वो फूलता नहीं है, बिकॉज जितने भी जो हमारे पास वुडन फ्लोर्स हैं ये जर्मन इंटरलॉक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इनको जो है वो फर्श के ऊपर जर्मन इंटरलॉक सिस्टम के थ्रू जो है लगाया जाता है, इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर पानी ज़्यादा पड़ा रहे तो इनके जो है वो जॉइंट फूलने की वजह से ये उखड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जितने भी आपको इस वक्त फ्लोर दिखाए जा रहे हैं ये ब्रांडेड फ्लोर है, स्पेशली ये टर्किश ब्रांडेड फ्लोर, कि जिसके ऊपर अगर हल्का सा पानी पड़ा भी रह जाए थोड़ी देर के लिए तो ये जो है वो जल्दी फूलता नहीं है, क्योंकि जो इसके ये स्टाइल हर फ्लोर के नीचे जो है उस प्लैंक के नीचे वाटर रेजिस्टेंट वैक्स तो लगी होती है, लेकिन जो वुडन फ्लोर होता है उसके बकाया तौर पर इन जॉइंट्स पे भी जो है वो वाटर रेजिस्टेंट वैक्स लगी होती है ताकि पानी जो है वो इन जॉइंट्स तक अगर पहुंच भी जाए तो जल्दी कहीं पानी के असर की वजह से ये ना फूल सके।
तो इस ब्रांडेड जो है वो फ्लोर के अंदर हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं, कुछ मैट फिनिशिंग के अंदर ग्रूव्स के अंदर है और कुछ मैट फिनिशिंग के अंदर बिल्कुल प्लेन सरफेस के साथ है, जैसा कि ये है, ये देखें। इसके अंदर आपको बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सफल कलर्स मिल जाएंगे जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट है। आजकल काफ़ी ट्रेंड है लाइट टेक्सचर कलर्स का, तो इस तरह के जितने भी कलर्स हैं ये आप अपने रूम्स के अंदर लगा के बहुत ही एलिगेंट और लग्जरी लुक दे सकते हैं अपने रूम्स के फ्लोर को। ये देखिए, ना सिर्फ घरों में ये फ्लोर इस्तेमाल होता है बल्कि इन फ्लोर्स को जो है वो ऑफिसेज और कमर्शियल एरियाज पे भी लगाया जाता है। इसकी एक और बहुत ही अच्छी टाइप भी है जिसे एसपीसी फ्लोर भी कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तमाम तर वेरिएशन देखने के लिए तारिक इंटीरियर को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि तारिक इंटीरियर्स ने ये तमाम तर डिस्प्ले सजा के रखा हुआ है अपने कस्टमर्स के लिए और दिखाने के लिए कि आपको जो है वो किस तरह की वेरिएशन प्रोडक्ट्स जो है वो मुल्तान में भी मिल सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको ना लाहौर जाना पड़ेगा ना कराची जाना पड़ेगा, बल्कि आपको आना पड़ेगा तारिक इंटीरियर्स पर और यहाँ पर मिलेगी आपको ये ढेरों कलेक्शन, ना सिर्फ वुडन फ्लोर के अंदर, ना सिर्फ वॉल पेपर्स के अंदर, बल्कि डिफरेंट इंटीरियर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। मौजूद हो अपने सेकंड हॉल के अंदर जहाँ पर जो है हमने कुछ और भी वॉलपेपर्स का डिस्प्ले जो है वो लगा के रखे हुए हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ पर हम लोगों ने व्यू क्लियर करने के लिए उन वॉलपेपर्स को जो है वो डिस्प्ले के ऊपर लगाया हुआ है ताकि आपको फील हो सके कि कोई भी वॉलपेपर आप जो भी तारीख की से परचेज करते हैं या होता है तो उसके अंदर जो है वो आपको किसी किस्म के कोई जॉइंट्स फील नहीं होते। इस वक्त आप जितने भी वॉलपेपर्स देख रहे हैं इन सब के अंदर जॉइंट है, लेकिन इस तरह सफाई के साथ लगाया गया है और इसके अंदर अच्छी मैचिंग पैटर्न मैचिंग की गई है कि इसके अंदर आपको जॉइंट फाइंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो इनके अंदर बकायदा तौर पे जॉइंट्स होते हैं कि जिनकी वजह से ये जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं और इनको पैटर्न को जो है वो जोड़ा जाता है। तमाम तर वॉशेबल वॉल पेपर से, गीले कपड़े से, सब वाले कपड़े से आप इसे साफ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको वॉल पेपर्स के अंदर मिल जाते हैं। बस ये तो वॉलपेपर्स का डिस्प्ले आप देख रहे थे, अब आपको मैं एक और इंटीरियर प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो बताऊंगी कि जो कि फाइबर पैनल्स के नाम से जानी जाती है। तो बिल्कुल ये फाइबर पैनल्स जो है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल के होते हैं, जैसे कि आप इस वक्त वीडियो में देख भी रहे होंगे। जितने भी पैनल्स हैं इनको जो है वो सीवेज एरिया पर भी लगाया जा सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर का इशू है, सेब का मसला है, तो वहाँ पर भी इनको लगाया जा सकता है। किसी कॉन के साथ, स्मल कॉन के साथ छुपाए जाते हैं और हर तरह का कलर जो है वो इसके ऊपर हो जाता है। आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो ब्रश पेंट भी हो सकता है। इसके अंदर तमाम तर ये आपको 3D जो है वो पैटर्न मिलेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स आपको तारिक इंटीरियर पर अवेल मिलेंगे। ये देखिए, इसके अलावा इन्हीं पैनल्स के अंदर एक और वेरिएशन है 3D फॉर्मिंग पैनल्स जी, जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और इस तरह के पैनल्स जो है वो स्पेशली बच्चों के रूम में लगाए जाते हैं या LED वॉल्स पे जो है वो थोड़ा सा उभार देने के लिए, रोज लुक देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव होते हैं और इसको जो है वो पील ऑफ करके आप इजीली बाय सेल्फ लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको लगाने के लिए किसी प्रोफेशनल आपको बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको बाय सेल्फ खुद भी पील ऑफ करके इजीली लगा सकते हैं और ये लुक देखने में बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस देते हैं और बच्चों के रूम में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये टोटली वॉशेबल पैनल्स हैं। आप इसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, सब वाले कपड़े साफ कर सकते हैं और अगर बच्चे जो है वो अपने रूम के अंदर किसी किस्म की खेल कूद की वजह से दीवार के अंदर टकरा भी जाते हैं तो ये फॉर्मिक पैनल्स जो है उनको बचाते हैं चोट से। तो ये तमाम तर पैनल्स आपको तारिक इंटीरियर पर इसके अलावा और वेरिएशन में मिल जाएंगे। सो तारिक इंटीरियर ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा तारिक इंटीरियर्स का ये वाइड डिस्प्ले जो कि हमने आपके लिए सजा के रखा हुआ है। अच्छा व्यूवर्स, आपने देखा वुडन फ्लोर और इसके अलावा आपने देखी वॉल कवरिंग के अंदर वॉल पेपर्स के अलावा फॉर्मिक पैनल्स भी, जो कि WPC पैनल्स भी हमारे पास अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। जिसे UP पैनल्स भी कहा जाता है, उसमें डिफरेंट कलर के स्टाइल्स, कलर वेरिएशन भी मिल जाएंगे, गोल्डन के कॉम्बो के साथ भी मिल जाएगा, प्लेन कलर्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो है वो टेक्सचर के अंदर भी जो है ना वुडन पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब बारी है जनाब विंडो कवरिंग की। विंडो कवरिंग में हमारे पास जो है वो ब्लाइंड्स भी शुमार क्वालिटीज़ में अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है वो रोलर ब्लाइंड्स होते हैं, जैबरा ब्लाइंड्स होते हैं और साथ ही साथ जो है वो शिटिला ब्लाइंड, हनीकॉम स्टाइल,
और अब रोलर ब्लाइंड के अंदर आपको दो तरह की वेरिएशंस मिल जाएंगे, जिसमें सी थ्रू होता है सब्जेक्ट एक और एक होता है ब्लैकआउट स्टफ। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो रोलर ब्लाइंड सिखाऊंगी। ये देखें, ये तमाम तो रोलर ब्लाइंड्स हैं जो कि ऑफिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और इनके अंदर बहुत ही डिसेंट सॉफ्ट कलर्स अवेलेबल हैं। आप अपने फर्नीचर स्कीम के अकॉर्डिंगली, रूम स्कीम के अकॉर्डिंगली या ऑफिस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो है वो ब्लाइंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इसके अलावा ये एक सी थ्रू सब्जेक्ट होता है। ये देखें, इस सी थ्रू में स्टफ है हमारे पास, जिसके अंदर जो है वो आर पार नज़र आता है। और इस तरह के जो ब्लाइंड्स होते हैं ये आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कोई लॉबी में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो है वो अवेयरनेस हो, बाहर आपको पता चले कि दिन है या रात है, या थोड़ी सी हवा भी जो है वो मुतबादिल होती रहती है इस तरह के स्टफ़ में से। लेकिन जो इस वक्त आप ये वाला स्टफ़ देख रहे हैं, ये ब्लैकआउट स्टफ़ है। इसके फ्रंट पर जो है ये जूट टेक्सचर का आपको मिलेगा डिज़ाइन, और इसके बैक पर जो है वो वाटर रेजिस्टेंट वैक्स लगी होती है, जो कि नमी से इस ब्लाइंड को बचा के रखती है। और ये बिल्कुल ब्लैकआउट स्टफ़ है, इसके अंदर रोशनी आर पार नहीं होती और ना ही आपकी एसी की कूलिंग वेस्ट होती है इन ब्लाइंड्स के थ्रू। सो अगर आपने ब्लैकआउट स्टफ़ के अंदर ब्लाइंड्स लगाया हुआ है, तो इससे जो है ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, बल्कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कभी भी आपके रूम के अंदर जो है वो इंटर नहीं होगा। व्यूअर्स, ये तो आपने कुछ ऑफिस स्टाइल के ब्लैकआउट स्टफ़ के अंदर जो है वो रोलर ब्लाइंड्स देखे। अब मैं आपको कुछ जो है वो प्रिंटेड स्टाइल के जैकवर्ड स्टफ़ के अंदर जो है वो ब्लाइंड्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये जितने भी ब्लाइंड्स हैं, पहले आपने ब्लाइंड देखा ब्लैकआउट स्टफ़ के अंदर, उसके पीछे वाटर रेजिस्टेंट वैक्स थी, लेकिन ये वाला जो स्टफ़ है ये इंडोर लगाने के लिए, लाइक योर बेडरूम, योर ड्राइंग रूम और किसी बंद कमरे के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, कि जहाँ पर इसका जो है जो फ्रंट पे आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है वही इसके बैक पर नज़र आएगा। और इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये देखें, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी मिल जाएंगी, प्लेन भी मिल जाएंगे, टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे और मोटिव स्टाइल के अंदर भी मिल जाएंगे। ये देखिए, बताते चलो, जितने भी ब्लाइंड्स होते हैं इसको प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट मशीनरी के थ्रू जो है वो स्क्रॉल किया जाता है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जो इसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको ये तमाम तर प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद इसका डिस्प्ले भी दिखाऊंगी। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास नॉर्मली यूज़ के अंदर ब्लाइंड्स आते हैं वो जनाब हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड्स। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में एक पट्टी जो है वो प्रिंटेड होती है और एक नेट के अंदर होती है, और ये जो है वो आपको ड्यूल पर्पज़, आप इसे जो है ना वो ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कभी बाहर का व्यू देखना है तो आप इसको ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो आप, या सूरज की रोशनी को रोकना है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे डाउन भी करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ आपको ये वेरिएशंस मिलेंगी प्लेन के अंदर, चेक स्टाइल के अंदर, बल्कि आपको इसमें मोटिव स्टाइल भी मिल जाएंगे। जैसा क्या, ये देखें, ये कुछ फ्लोरल लुक के अंदर ज़ेब्रा ब्लाइंड्स हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत रॉयल स्टैम्प। आप अपने बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं घरों के लिए, इस तरह के ब्लाइंड्स जो हैं, क्योंकि आजकल कर्टन्स का ट्रेंड काफ़ी पुराना हो गया है। अब जो ट्रेंड है वो ब्लाइंड्स का है, जो कि प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो स्क्रोल होते हैं। तो ये तमाम तर ब्लाइंड्स आपको मिलेंगे तारिक इंटीरियर्स पर, और इसमें और भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। सो इस तरह की वेरिएशंस और न्यू प्रोडक्ट्स देखने के लिए तारिक इंटीरियर्स को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। देखें, ये है ज़ेब्रा ब्लाइंड जो कि इस तरीके से जो है वो काम करता है। अगर आपको बाहर कुछ देखना है तो आप इसको जो है वो ऐसे इस सिचुएशन में, ब्लैकआउट सिचुएशन में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जो है वो व्यू लेना है तो ये देखें, इसको आप इन पट्टियों को नेट के साथ जो है वो स्ट्रोल करके इस सिचुएशन में भी ला सकते हैं। इससे आपको आर पार नज़र भी आएगा और साथ ही साथ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये वेरिएशन है, इसके अलावा एक आपको ये शंबीला ब्लाइंड मिलेगा, इसके अंदर इस तरह कुछ मैकेनिज्म होगा और ये आप इसको इस तरह रोल अप भी कर सकते हैं। जो
आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है आर्टिफिशियल ग्रास, जिसे सिंथेटिक ग्रास भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट थिकनेस मिलेगी, 10 mm से लेके 50 mm की थिकनेस जो है वो इस आर्टिफिशियल ग्रास में अवेलेबल है। और नहायत ही खूबसूरत ये फरी स्टाइल की जो ग्रास है वो आपको डिफरेंट लोकेशंस के लिए सजेस्ट की जाती है। लाइक अगर आपने अगर फ्लोरिंग करनी है तो 20 mm की ग्रास जो है वो इनफ होती है, क्योंकि जो 20 mm ग्रास होती है ये नेचुरली थ्रेड के अकॉर्डिंगली इसकी डेंसिटी जो होती है, जो इसकी थिकनेस होती है वो नेचुरल ग्रास के अकॉर्डिंगली होती है। ये देखेंगे 20 mm की थिकनेस है और ये हम फ्लोर्स के लिए सजेस्ट करते हैं। और अगर आपने वॉल के ऊपर किसी किस्म की डेकोरेशन करनी है तो फिर भी आप इस तरह की 20 mm ग्रास को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके मैं कुछ फीचर्स बताती चलूँ। 20 mm ग्रास या 20 mm से लेकर 50 mm ग्रास, जितनी भी ये थिकनेस होती हैं, इन सब की एक क्वालिटीज़ हैं कि इनके अंदर ये बाकायदा तौर पर ड्रेन्स बने होते हैं और इतने इतने फासले पर हर जगह जो है वो यहाँ पर ये होल्स दिए गए हैं। इसकी सफाई सुथराई के लिए ये सब कुछ जो है वो मैकेनिज्म बनाया गया है। जब आप इसके ऊपर इसको धोते हैं, इसको वॉश करते हैं, तो जितना भी पानी है इसका ये ऊपर से इन सुराखों के ज़रिए इन नालियों में से होता हुआ वाटर लेवल निकलने होने की वजह से जो है वो ड्रेन आउट होता रहता है। इसके अंदर आपको ये तमाम तर थिकनेस मिल जाएंगी। ये देखें, ये 40 mm है, ये भी 40 mm है। इसके अंदर कलर वेरिएशंस भी आपको मिल जाएंगी, ये भी 40 mm है, ये 30 mm और ये 50 mm। 10 mm से लेके 50 mm की थिकनेस में जितनी भी आर्टिफिशियल ग्रास है ये आपको तारिक इंटीरियर पर हाजिर स्टॉक में मिलेंगी। और इसके अलावा और भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, तो तमाम तर प्रोडक्ट्स देखने के लिए और तारिक इंटीरियर्स का डिस्प्ले विजिट करने के लिए ज़रूर तशरीफ लाइएगा। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलेंगे बल्कि आपको फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर अवेयर मिलेगा कि जिनके साथ बात करके फैमिलीज जो है वो ईजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है ताकि कोई भी फैमिली जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन फील ना करे और ईजी वे में रहकर जो है वो अच्छे तरीके से अपने घर की डेकोरेशन और अपने घर को जो है वो डिज़ाइन कर सके थ्रू वॉल पेपर और डिफरेंट इंटीरियर प्रोडक्ट्स। अब इजाज़त दें और मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।